नमस्कार। बापू के 150वीं जयंती के अवसर पे ललित कला एकेडमी के गढ़ी केंद्र में, जो देश का सबसे बड़ा हमारा कला का रिसर्च सेंटर है, उसमें ललित कला एकेडमी ने ये दो दिन के बापू के जीवन पे आधारित एक कैंप किया। और इसके कैंप की शुभकामना हमारे कल्चर मिनिस्टर आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने आज सुबह ही, जो हमारे और ललित कला सेंटर में कार्यक्रम आने वाले टाइम भी चलने वाले हैं, जिसमें एग्जीबिशन के रूप भी सादर होंगे और पेंटिंग के कैंप भी सादर होंगे और विचार संगोष्ठी भी सादर होगी, ये इसका जो आशीर्वाद दिया है प्रहलाद सिंह पटेल जी ने हमें, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको इस 150वीं जयंती के ऊपर बापू को नमन करता हूँ। और समाज इस विचार से जो आगे आके ये अलग अलग कार्यक्रम में ललित कला के साथ में खड़ा रहा और इसका आनंद लिया, उसके लिए आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। गणेश स्टूडियो 76 में प्रोफेसर शोंकू चौधरी के प्रयास में, इंदिरा गांधी के आशीर्वाद में, और उस समय DDA के चीफ वाइस चेयरमैन था और उनके कारण ये गणेश स्टूडियो बना था। आर्टिस्ट आके इनिशियली इतना बसलिंग वगैरह नहीं था, आर्टिस्ट कोई कोई आसपास रहते थे, वही आके करना। फिर 81 दिसंबर से मैं आके यहाँ काम शुरू किया। काम करते करते जो भी कुछ इस स्टूडियोज में काम करते करते मैंने अचीव नेशनल अवार्ड मिला, फिर UPSC के तरफ में सीनियर पोजीशन में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर होके गया, हाँ, फिर एग्जीबिशन किया, सीनियर फेलोशिप मिला, हर तरह के वो मिल गया। पर सबसे बड़ा मेरा जो सुख है, जब मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ, यंग आर्टिस्ट को जो यहाँ काम कर रहा, मेरा सबसे बड़ा खुश होता हूँ कि मैं इनके एज में काम नहीं कर पाया। देखो बच्चे ललित कला का स्टूडियो में काम कर रहा, टैक्स पेयर का मनी से जो ललित कला एकेडमी बना हमारे लिए, क्यों आर्ट एंड आर्किटेक्चर ही जो है एक देश का कल्चरल आइडेंटिटी होता है, वो कल्चरल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं ललित कला के कंट्रीब्यूशन में आगे बढ़ रहा है। गढ़ी का जो इम्पोर्टेंस है वो आज की तारीख में भी वही बरकरार है, क्योंकि गढ़ी में जितने आर्टिस्ट काम करते हैं रेगुलरली, उतने शायद ही किसी ललित कला के दूसरे सेंटर में काम करते हैं। ललित कला में, ललित कला के वजह से गढ़ी के लिए एक नए युवा कलाकार के लिए एक जगह जो बन गई है वो बहुत बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है, क्योंकि जो विद्यार्थी कॉलेज से पास होकर आता है उसके लिए नई जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम है, स्टूडियो बनाना, काम करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, और ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप हर वक्त कोई ना कोई आपको आर्टिस्ट मिलता है, या आप उसके साथ बात कर सकते हो, या उसका काम देख सकते हो, या वो तुम्हारा काम देखता है। ये इनफॉर्मल जो एजुकेशन है, ये इनफॉर्मल जो इंफॉर्मेशन मिलती है, वो मेरे ख्याल से कलाकार के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक दूसरे का काम देख के प्रोत्साहित होते हैं, एक जो हेल्दी कंपटीशन जिसको कहते हैं वो बन जाती है, और एक इंटरनेशनल स्तर पे काम दिखाने के लिए या देखने के लिए जो सुविधा दिल्ली में है वो बाकी शहरों में, मुंबई छोड़ के, मुंबई कलकत्ता छोड़ के शायद कहीं और जगह। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वर्कशॉप्स तो बहुत होते रहे, त्रैवार्षिक जब होता है तब यहाँ पर इंटरनेशनल वर्कशॉप्स भी हुए हैं, और भी काफ़ी हर डिपार्टमेंट में वर्कशॉप्स होते रहे, और ये वर्कशॉप्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके वजह से जो यहाँ रेगुलरली काम करते हैं उनको एक दूसरी दूसरे लोग किस तरीके से काम करते हैं, या दूसरे लोगों को यहाँ पर आके जो मुश्किलें होती है उसमें से कैसे काम करना है वो भी एक अनुभव होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। ये एक दो दिन के वर्कशॉप्स ऐसे बीच बीच में अलग अलग डिपार्टमेंट में होते रहना ज़रूरी है। गढ़ी का जो एक्सपीरियंस है मेरे को, सो ब्यूटिफुल, इतने सीनियर लोगों से यहाँ सीखने को मिला, और जो इवेंट्स यहाँ गढ़ी में होते थे बहुत बेहतरीन, लाजवाब,
और अब जो ये इवेंट हुआ ये भी बहुत मज़ेदार है, मेरी बहुत मतलब सीनियर लोगों से मेरे बहुत कुछ सीखने को मिला और काफ़ी लंबी जर्नी होगी है मेरी आर्ट फील्ड में। और अब काफ़ी लंबे समय के बाद ये जो इवेंट हुआ है और ऐसे ही इवेंट टाइम टू टाइम होने चाहिए, कलाकारों का आपस में गेट टुगेदर हो, एक दूसरे से मिले, सीनियर आर्टिस्ट मिले, उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। और ये तो फील्ड ऐसा है कि इसमें कोई आदमी परफेक्ट होता नहीं है, मतलब आदमी ये सोचे कि मैं मतलब सीनियर हूँ तो मैं परफेक्ट हो गया। हम अपने जूनियर से भी बहुत कुछ सीखने का सीखते हैं, तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और ये हमारे चेयरमैन साहब ने जो ये किया है ना इवेंट, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और ऐसा कुछ आगे भी होना चाहिए। और रही बात अब ये जो इवेंट जो गांधी जी के उसमें हुआ है, तो गांधी जी तो रोल मॉडल रहे हैं, वो तो पूरे देश के फादर ऑफ द नेशन, उसी चीज़ को मैंने लेके थोड़ा सा जो मेरे मन में उनके फीलिंग थी वो मैंने अपनी पेंटिंग में प्ले की है और वो सब देखेंगे जो भी देखेंगे। काफ़ी लंबे समय बाद हम लोगों का, आर्टिस्टों का आपस यहाँ मिलना हुआ है। जब कोरोना नहीं था उस समय पहले तो हम लोग रेगुलर यहाँ पर आकर इंटरेक्शन हुआ करता था, हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करते थे, पेंटिंग करते थे, लेकिन जब से कोरोना हुआ है तब से आर्टिस्टों का आना बंद हो गया, इंटरेक्शन बंद हो गया। और वास्तव में काफ़ी देखा जाए तो आर्टिस्टों का आपस में मिलना और काम करना ही एक उनकी ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पिछले कोरोना पीरियड में, पिछले 6 महीने में जिस तरह से ये सब बंद हुआ है, आर्टिस्टों के लिए अगर वास्तव में कहा जाए तो बहुत ही एक टफ टाइम गुजरा है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या होगा, लेकिन एक बहुत लंबे अंतराल के बाद शुरू तो हुआ, एकेडमी ने दोबारा से आर्टिस्टों को जोड़ने का एक तरीका निकाला है और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पॉजिटिव एक एक्टिविटी शुरू हुई है गढ़ी में। यहाँ पर लोग आए, मैं समझता हूँ कि जो एक यहाँ पर आने के जो एक रूल्स बने हुए हैं ड्यूरिंग दिस कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों ने ध्यान रखा, अपने अपने स्टूडियो में सिंगल इस तरह से काम करते रहे और एक पॉजिटिविटी यहाँ डेवलप हुई है, लोगों में एक इंट्रैक्शन हुआ है, लोगों का काम देखा है, इसलिए कि और अच्छा रहेगा मैं समझता हूँ आगे फर्दर एक्टिविटी जो एकेडमी ने शुरू करी है, मैं समझता हूँ वो पॉजिटिव है, उसको मैं थैंक्स कहना चाहिए। ये 2 दिन का ये वर्कशॉप है ये ललितकला एकेडमी ने किया है गढ़ी में, ये बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि कलाकार जो यहाँ के जो कलाकार हैं वो अपना अलग ही सोच रखते हैं, वो यहाँ आते हैं अपना काम करते हैं और फिर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए एक दूसरे से आर्ट के ऊपर हेल्दी डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से सलाह लेते हैं और लेकिन काम अपना इंडिविजुअल करने का प्रयास करते हैं। और ये जो 2 दिन का वर्कशॉप हुआ है, मैं चेयरमैन साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि पिछले 48 साल से मुझे काम करते हुए हुए मैं सैकड़ों प्राइवेट वर्कशॉप की कैंप किए, लेकिन ललित कला एकेडमी का मैंने पहला वर्कशॉप अटेंड किया है और यहाँ के आर्टिस्ट जो हैं बहुत खुश हैं, बहुत खुश होकर काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ और आगे भी काम करेंगे। और यहाँ पर काम करने का एक अलग ही एटमॉस्फेयर है, हम यहाँ सांस लेते हैं तो आर्ट में सांस लेते हैं, जीते हैं तो आर्ट को जीते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना हेल्दी डिस्कशन है, खूबसूरत पेड़ हैं, नेचर है और कलाकार नेचर के बहुत नज़दीक होता है। कला एक ऐसी चीज़ है, कला के द्वारा जो है हिस्ट्री बनती है, अगर आर्ट नहीं होगी तो हिस्ट्री कहाँ से बनेगी। किस ज़माने में कोई लैंग्वेज नहीं होती थी, आर्ट की ही लैंग्वेज थी, बाहर के लोग आते थे आर्ट को देखते थे, आर्ट के जरिए एक दूसरे की बातों का आदान प्रदान होता था। गढ़ी का जो कलाकार हैं वास्तव में वो कला के लिए समर्पित हैं और मैं सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो गढ़ी में वर्कशॉप हो रहा है ललित कला एकेडमी करवा रही है और गांधी के बारे में नहीं, गांधी 151 ईयर्स का
उसमें एक गढ़ी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, ललित कला का भी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि गढ़ी में लॉकडाउन के बीच पे लोग तो आ नहीं रहे थे, बंद था, तो अभी एक आना शुरू हुआ है। और इसमें कोई जितने भी आर्टिस्ट हैं, 70-75 आर्टिस्ट हैं, उनको भी थोड़ा सा आने का करेज मिला है, क्योंकि जो नहीं आ रहे थे, सोच रहे थे कि आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तो ये ललित कला का जो ये स्टार्टिंग है बहुत ही अच्छा है और हम तो बहुत खुश हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ललित कला कि ये दोबारा इन्होंने शुरू किया है। चेयरमैन को भी थैंक्स करते हैं, दोबारा ये ललित कला एकेडमी का अंडर में गढ़ी दोबारा शुरू हुआ है। और आई थिंक ये बीच बीच में डिफरेंट वे ऑफ कुछ ना कुछ होना ही चाहिए गढ़ी में। पेंडेमिक के बाद ललित कला एकेडमी ने ये दो दिवसीय वर्कशॉप रखा है, और इस वर्क से फ़ायदा ये हुआ है कि उत्साह फिर से सृजित हुई है, खास करके यंग लोगों में। हम लोग तो काम करते ही रहते हैं फील्ड में, लेकिन यंग लोगों में काफ़ी उत्साह हुआ है। दूसरी बात है कि गांधी के ऊपर ये कैंप है, 2 अक्टूबर उनकी जयंती के ऊपर है, 150 साल पूरे होने पर हुआ है। इसके पहले भी उत्तम प्रचारने के मतलब संरक्षण में उनके आदेशानुसार एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव ग्रुप, एक प्रोग्रेसिव गैलरी के साथ एक एग्जीबिशन हुआ था गांधी के ऊपर, और गांधी के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम ललित कला के द्वारा हुआ है। और मैं ललित कला में से गढ़ी में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, और ख़ास करके इस जगह की अपनी एक सत्ता है, अपना महत्व है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन है, बहुत ही काम करने में मन लगता है, और बहुत सारे थाट्स होते हैं मेरे अपने काम में, गढ़ी में काम करके बहुत सारा उत्थान हुआ है। मतलब काफ़ी नई नई चीज़ों को मैंने यहाँ पर खोजा है, ढूंढा है, अपने काम में ऐड किया है। और फिलहाल मैं अभी काम कर रहा हूँ वो गांधी के अध्यात्म के ऊपर है, सिम्बॉलिक है। मैं फिलहाल इस वर्क से बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जयंती पे जो चेयरमैन सर ने हम सभी आर्टिस्टों के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, उसके लिए उनको मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने एक कोरोना पेंडेमिक के बाद जो ये एक एक्टिविटी हुई है, ये आर्टिस्टों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा, यहाँ पे जो लोग विज़िट करने आ रहे हैं और उन्हें कुछ सीखने को मिलता है हमसे, हमारे काम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो और दूसरी चीज़ ये कि हम आपस में इतने दिन के बाद मिले हैं और एक अच्छे इवेंट पे मिले हैं, गांधी जयंती पे मिले हैं, सारे लोग सबने मिलके काम किया, इसके लिए मैं ललित कला एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने हमारे बारे में ये सोचा। चाहे ये छोटा सा ही 2 दिन का वर्कशॉप था, लेकिन इससे सारे आर्टिस्टों में एक पॉजिटिविटी दोबारा से पैदा हुई है। ललित कला एकेडमी और चेयरमैन सर ने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया इवेंट वर्कशॉप का, तो उसके अंदर सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने को मिला, आर्टिस्टों को सपोर्ट करने के लिए एक जो एनवायरनमेंट था उससे बूस्टअप मिला है, कि जो पहले इतना डिम और इतना ज़्यादा ऐसा था कि हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो अभी जो ये वर्कशॉप हुई, इतने सारे आर्टिस्ट मिलकर सबने किया और ये इवेंट हुआ, और सोशल डिस्टेंसिंग भी हुई हमारे यहाँ पे मेंटेन, और उसको मेंटेन करते हुए जो ऑर्गेनाइज किया गया, ये सारा अरेंजमेंट हुआ, वो बहुत काबिले तारीफ़ है। और जो मैंने अपना पेंटिंग में बनाया है, उसके अंदर जो महात्मा गांधी की जो टीचिंग्स हैं, या जो वो अपनी लाइफ में जिनको वो लेकर चलते थे, असूलों को लेकर चलते थे, मेरा जो मैंने जो थीम चूज़ किया वो था, वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ लाइफ, वो उनकी एक कोट है जो मैंने उसमें लिखी, और वो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहीं पर ही ज़िंदगी जो है वो बनती है। एक साथ काफ़ी सारे आर्टिस्ट हम लोग इकट्ठे हुए इस बार, और काम करने का मौका मिला, ललित कला ने ये प्लेटफॉर्म दिया हमें काम करने के लिए। और गढ़ी का जो खूबसूरती है कि यहाँ पे एक तो नेचर है, और हम लोग सब जब भी हम अपने बाकी कामों से रिलैक्स हो करके, अच्छा मौका है, और काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं हम लोग लॉकडाउन के बाद यहाँ पे काम करके, स्पेशली जब हम सारे इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे का
एक्सपीरियंस शेयर किया। और मेरी पेंटिंग सदगुरु का कुछ थॉट है, सदगुरु जग्गी वासुदेवा, मैं क्रिया योग का फॉलो करता हूँ, तो सदगुरु के यहाँ आते जाते हैं और उनके कुछ थॉट्स हैं। तो इसमें है कि व्हाट अबाउट मी, जो हम भी महात्मा बन सकते हैं अगर हम अपने मैं को अगर हम छोड़ सकें, कि हर वक्त हर कॉज में हम अपने आप को, या मेरा क्या होगा, या मैं क्या हूँ, या मेरा क्या होगा, मेरा इससे क्या मतलब, इस थॉट को अगर हम क्विट कर सकें, अगर छोड़ सकें, तो हम भी महात्मा बन सकते हैं। तो उसी थॉट को लेकर के मैं गांधी जी का, सदगुरु का इमेज और उनके कोटेशन भी आएगा तो अभी कर रहा हूँ, तो कुछ दो चार घंटे और चाहिए मुझे इसको फिनिश करने के लिए। तो धन्यवाद ललित कला को, ललित कला अकेडमी को, गढ़ी स्टूडियोज़ को, जो हमें ये मौका मिला है। थैंक यू, शुक्रिया। मेरा नाम राम संजीवन है, मैं बेसिकली स्कल्प्टर हूँ और ललित कला अकेडमी में 2 दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये बहुत ही अच्छा है सभी आर्टिस्टों के लिए, एक तो कोरोना काल के बाद सभी एक साथ मिले, सोशल डिस्टेंसिंग सबको फॉलो किया, रूल रेगुलेशन फॉलो किया और सबका काम बहुत अच्छा था। एंड सभी ने अलग अलग एक्सप्रेशंस में काम किए, टेक्चर्स लाइक उनके अपने थीम्स और जो भी टेक्निक्स, सो बहुत अच्छा था यहाँ पर। और मैंने भी कुछ ऐसे ही बनाया, मेकिंग ऑफ गांधी, मेकिंग ऑफ महात्मा टाइटल है इसका, और थोड़ा टेक्चर एंड उसमें एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की है बस गांधी को। ललित कला अकेडमी गढ़ी में जो वर्कशॉप हुई है, इससे फ़ायदा यह होता है कि जो एक तो सारे आर्टिस्टों की गैदरिंग होती है, फिर एक सब्जेक्ट के हिसाब से सब लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं और उस पर काम करते हैं। उसे क्या है, जैसे इस बार जो सब्जेक्ट दिया था वो गांधी जी के ऊपर दिया था, तो गांधी जी को ही जो भी जितने भी आर्टिस्ट हैं सब अपने अपने विज़न के हिसाब से, अपने अपने ख्यालों के हिसाब से उसको वो पेंट किया है। उससे क्या होता है कि एक नई क्रिएटिविटी और नया एंगल सामने आता है, जो कि आर्टिस्ट ही क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए तो मैं चेयरमैन साहब और ललित कला अकेडमी के सारे स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि कोरोना काल में जैसा कि बहुत ज़माने से ये बंद था सारी एक्टिविटीज, तो ये एक दोबारा से एक नई शुरुआत, ये बहुत अच्छी शुरुआत की गई है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी ये इस तरह की इवेंट्स होती रहेगी। और स्पेशली थैंक्स दोबारा से फिर मैं ललित कला अकेडमी को करना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। हमारे चेयरमैन श्री उत्तम पचारने जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने 2 अक्टूबर का ये प्रोग्राम कराया, जो गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पे हुआ है, जिसके अंदर जो आर्टिस्ट काफ़ी समय से ठीक है अपने घरों में बैठे हुए थे, काम नहीं कर पा रहे थे, उनको बाहर निकलने का एक थोड़ा मौका मिला, खुल के सबके साथ मिलना और काम करने का मौका मिला, जिसमें सबने गांधी जी के अलग अलग रूपों को अपने क्रिएटिविटी अपनी के माध्यम से दिखाया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने भी अपनी पेंटिंग में गांधी जी का एक पोर्ट्रेट बनाया है, जिसके अंदर ट्राई कलर से बहुत सारे आर्टिस्ट को उत्तम पचारने जी के द्वारा ये वर्कशॉप कराने पे उन्हें एक आर्थिक मदद भी दी जा रही है, एक सपोर्ट मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कोविड के समय किसी ने भी ठीक है कलाकारों के लिए ऐसा कुछ इनिशिएटिव अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं लिया है। हम सभी आर्टिस्ट यहाँ एक साथ मिलकर वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और एक ये अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे हम जूनियर और सीनियर सब आर्टिस्ट मिलकर एक साथ अपना वर्क शेयर कर रहे हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं ललित कला का धन्यवाद करूँगी चेयरमैन सर का, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाई है, यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है जिससे हम सब मिलजुल कर ये वर्कशॉप कर रहे हैं। और ये एक अच्छा एफर्ट है इस पैंडेमिक में भी, कि अभी कुछ हो नहीं रहा था और यहाँ पे वर्कशॉप हुई है। हम सभी को बहुत अच्छा मौका मिला है एक साथ बैठकर एक साथ काम करने का, एक वर्कशॉप में लगभग 70 आर्टिस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, एक दूसरे का काम भी देख रहे हैं। एक दूसरे का काम देखने से भी बहुत कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें काम करते करते देखते हुए आर्टिस्ट को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो कई बार हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे हमें बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जब आर्टिस्ट जो है दूसरों का काम देखता है, दूसरे के विचार सुनता है, उनसे बातचीत करता है, इंटरेक्शन करता है, तो उसे बहुत सारी चीज़ें वो जानकारी उन्हें इत्तफाकन भी पता लग जाती है जो उन्हें अब तक नहीं थी।
तो मैं कहता हूँ कि हमें हमारे लिए बहुत अच्छी ये जो है एक अपॉर्चुनिटी है सभी कलाकारों के लिए कि हमें गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ललित कला अकेडमी द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में इस वर्कशॉप में काम करने का मौका मिल रहा है और हम बहुत खुश हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ललित कला अकेडमी द्वारा दो दिन की जो एक वर्कशॉप कंडक्ट की गई है इस पैंडमिक दौर से निकलने के दौरान, तो इसके लिए हम ललित कला अकेडमी के बहुत शुक्रगुजार हैं। ललित कला अकेडमी यूँ तो बताने की मोहताज नहीं है, बरसों से कलाकारों को संरक्षण दे रही है हर तरीके से। दुनिया भर के कैंप्स होते हैं, लेवल कोई भी रहते हैं, नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, आर्टिस्टों के अंदर दोबारा से जान फूकने के लिए नई शुरुआत की है और इसकी बहुत अच्छी शुरुआत है। बड़ा गर्मजोशी से हम इसका स्वागत करते हैं और इसमें काफ़ी सारे आर्टिस्टों ने बड़े मन से पार्टिसिपेट किया है और सभी ने अपने अपने कला के उत्कृष्ट प्रदर्शन का कला का बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है अपने रंगों के ब्रशों के माध्यम से कैनवस के ऊपर, और जो आपको देखने को मिलेगा इस एग्जीबिशन के दौरान। और इस विशेष रूप से उत्तम पचारने जी का जो प्रयास है वो सराहनीय है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं इनके अथक प्रयासों से ही ये दोबारा से एक बड़े अच्छे एक स्टार्टअप के साथ दोबारा शुरू हुआ है। ये काफ़ी टाइम के बाद ही हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है वर्कशॉप करने की, जो कि ये काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट के फेवर में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते आर्टिस्ट काफ़ी सफर कर रहा था, तो सडनली उन्होंने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो ये आर्टिस्ट के फेवर में ही है। और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बेस्ट पार्ट ये है कि उन्होंने हर आर्टिस्ट को अपने ही स्टूडियो में काम करने का बोला है, जिससे डिस्टेंस भी मेंटेन हो रहा है और सोशल नॉर्म्स भी पूरे उसको मेंटेन कर रहे हैं। इसमें गांधी जी के बारे में कलाकारों ने अपना अपना काम कर रहे हैं अपनी अपनी टेक्निक के हिसाब से, गांधी जी की जीवन के ऊपर जो उनकी यात्रा रही है उसमें मैंने जो गांधी जी का अपनी पेंटिंग में बनाया है उनको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाया है। गांधी जी का जाता हुआ सीन जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है और कलाकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने भावों को एक्सप्रेस उन्होंने अपनी पेंटिंग के थ्रू किया है, जो कि बहुत अच्छा टोटल एटमॉस्फेयर रहा है आर्टिस्ट का काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि इतना टाइम से सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा था, इंट्रैक्शन नहीं हो रहा था, तो एक छोटा सा उन्होंने स्टार्ट किया है जो कि आर्टिस्ट के काफ़ी फेवर में है और आर्टिस्ट को काफ़ी सपोर्ट भी मिला है। और चेयरमैन साहब ऐसे ही उन लोगों को सपोर्ट अगर करते रहेंगे तो आर्टिस्ट काफ़ी अच्छा अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये जो आर्ट एक्टिविटी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए। इनफैक्ट लॉकडाउन की वजह से आर्टिस्ट आ नहीं रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, बिकॉज प्रॉब्लम थी। और उसके साथ इस सिचुएशन में जब ललित कला एकेडमी ने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा, सो दैट हम आर्ट एक्टिविटी को फिर से वापस हम स्टार्ट कर पाएँ और वो नॉर्मल सिचुएशन आ जाए जो एक नॉर्मल सिचुएशन पहले थी। इससे पहले भी ललित कला एकेडमी वर्कशॉप्स और कैंप्स ऑर्गेनाइज करती रही है, लेकिन ये एक छोटा सा कैंप था ताकि आर्टिस्ट को इस लॉकडाउन में एक साथ लाया जाए और आपस में आर्टिस्ट इंटरेक्ट करें। इनफैक्ट जो रेगुलर काम करते हैं आर्टिस्ट काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम आर्टिस्ट की गैदरिंग, उनका थॉट प्रोसेस शेयरिंग, ये सारी चीज़ें इस वर्कशॉप में हुई हैं और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल, एकेडमी जो एक वर्कशॉप रखा गया है 5 और 6 तारीख को, बहुत कम टाइम में और काफ़ी दिन के बाद इस तरह गड़ी के अंदर काफ़ी 70 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, जूनियर सीनियर सब मिलके, और एक गांधी जी के ऊपर हमने जो भी पेंटिंग किया कोशिश किया है कि कम टाइम में अच्छा काम करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैक्सिमम आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किए हैं और यहाँ पे एक यही है कि गड़ी के अंदर वर्कशॉप करना या एक दूसरे को मिलके काम करना, एक दूसरे सीनियर से देखना, जूनियर्स है सीनियर्स है, एक वर्क एक्सपीरियंस, हर कोई अपना अपना क्रिएटिव वर्क को प्रेजेंट करते हैं। गड़ी का ऐसा पुराना एक वर्कशॉप है, ये स्टूडियो है, यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट बहुत अच्छे अच्छे काम करके गए और भी करते रहे, हम रेगुलर आते हैं, कुछ बाहर के भी आर्टिस्ट आए थे, घड़ी का भी आर्टिस्ट मिलके काम किया,
और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली चेयरमैन सर को और पूरा टीम को, अच्छा अरेंजमेंट किया और अच्छा वर्क हुआ। एक कलाकार के लिए, नया कलाकार जो कॉलेज से निकला है, उसे एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। और वो प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेगा? ना तो इनकम है, ना कुछ है, ना नौकरी है, ना कुछ है। तो आदमी ये सोचता है, चल यार मैं कला की कुछ सेवा कर लूँ। तो उसके लिए हमारे लिए केंद्र जो है रेलवे सेंटर गढ़ी, ये हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ, जिसे हमने बहुत काम किया यहाँ पे तब से लेके अब तक, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि नए कलाकारों के लिए और पुराने कलाकारों के लिए, फ्रीलांस आर्टिस्टों के लिए, ये बहुत बढ़िया है। नए छात्रों के लिए अच्छा है, जो बच्चे अभी पास आउट किए हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पे आके कई एग्जीबिशंस की एकेडमी के साथ भी, और यहीं पे काम करके मैंने बॉम्बे, जयपुर, कई जगह काम किए जो एग्जीबिशन के लिए मैंने। और मेरे लिए तो खैर बहुत ही बढ़िया लगा कि मैं घड़ी में आगे कुछ कर सका। एक मतलब तनाव रहित मतलब क्षेत्र है, बिल्कुल मतलब कोई टेंशन नहीं है, अपने आराम से जाओ काम करो अपना स्टूडियो में बैठ के, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर घड़ी में और जितने सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनसे भी सीखने को मिलता है, आपस में बात करके डिस्कशन होता है, ये सारी चीज़ें, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी अभी जो ये इन्होंने कैंप किया है अभी गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पे, बहुत बढ़िया। ये ऐसी एक्टिविटी होती रहनी चाहिए जिससे कि आर्टिस्ट एक दूसरे से मिले और उनके विचार आपस में मतलब शेयर करें, तो ये बहुत बढ़िया लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ये जो अभी वर्कशॉप हुई है, आई लाइक इट।